वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं एग पोटैटो कड़ी, जो बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही जल्दी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। इससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फटाफट से कर दो सब्सक्राइब। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये सब मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आपको ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास घर पे अवेलेबल है या उससे ही बन जाएगा। सबसे पहले मैंने लिए एग्स, ये मैंने बॉईल कर लिए अंडे। मैंने लिए एक कप दही, मैंने 3 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 पिंच हल्दी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 बिग टेबलस्पून प्याज का पेस्ट। पिसी भी प्याज होती है उसका पेस्ट लेंगे और हरी मिर्च और धनिया हमने गार्निशिंग के लिए काटी और हम ऐड करेंगे इसमें आलू। तो चलिए सबसे पहले एक हम बॉल ले लेंगे। ये आपने बिल्कुल ट्राई नहीं की होगी ट्रिक, आप इस ट्रिक से ज़रूर ट्राई करना। अब मैं एक बॉल ले लूँगी, बॉल में मैं हमारी दही डालूँगी, उसमें हमारे सारे मसाले डालूँगी। पहले हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही में बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें लम्स होंगे तो हमारी एग कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए आप कोशिश करना पहले इसके सारे लम्स अच्छे से निकाल लो, फिर इसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम। इसे अच्छे से आप फेंट लेना और इसमें पानी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रिक बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका अच्छे से पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और इसका पेस्ट कुछ इस तरीके से हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थिक है। आप इसमें पानी बिल्कुल ऐड मत करना, ये ऐसे ही बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं एक पैन लूँगी, पैन मैंने मीडियम फ्लेम पर लिया है, उसमें हमारे डालेंगे हम ऑयल। ऑयल में डालने के बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हमारी पिसी हुई प्याज। सबसे पहले हम ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज इसलिए डालेंगे ताकि ये हम इसे अच्छे से ऑयल में भून ले और हमारा इसकी जो स्मेल है वो स्मेल सारी ख़त्म हो जाए और हमारी कड़ी में लहसुन की स्मेल ना आए। क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं स्मेल से, उनका जैसे अच्छा नहीं लगता उन्हें स्मेल। मुझे भी नहीं लगती लहसुन की स्मेल ज़्यादा अच्छी, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, आप इसको इस तरीके से ट्राई करना तो इससे आपको स्मेल नहीं आएगी खाने में लहसुन की। मैं इसे अच्छे से भून लूँगी जब तक ये बिल्कुल अच्छे से भून ना जाए। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा भुनना स्टार्ट हो गया। इसकी फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना, क्योंकि अगर आप इसकी फ्लेम हाई करोगे तो ये जल भी सकता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भुनने देंगे। मैंने इसे काफ़ी देर भुना था, ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट्स, ताकि कि ये अच्छे से भुन जाता और अच्छे से मिक्स हो जाता ऑयल के साथ और इसकी स्मेल प्रॉपर ख़त्म हो जाती। ये देखिए इसमें बबल्स बनने उठ गए। अब हम इसमें हमारा डालेंगे पेस्ट जो हमने रेडी किया था दही और मसालों का। ये देखिए आप पेस्ट देख सकते हैं, पेस्ट कितना थिक बना हुआ है, एकदम स्मूथ है, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं है। और वैसे भी लम्स होंगे तो खाना हमारा टेस्टी नहीं बनता और दिखने में अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा। इसलिए आप इसको पेस्ट की बनाने के बाद ट्राई करना, पेस्ट से बहुत अच्छा लुक भी आएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि दही में अक्सर लम्स पड़ जाते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक हमारा ये सारा ऑयल रेड ना हो जाए। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरीके से। आप इसे लगातार चलाते रहें, इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आना शुरू हो गया रेड, आप साइड्स में देख सकते हो।
अभी हमारा अच्छे से भून चुका है, दैट मीन्स ये रेडी है। कि हम इसमें हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालें। ये देखिए आप ऑयल देख सकते हो, मैं इसे 1 से 2 मिनट पकने दूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे आलू। आलू मैंने स्मॉल साइज के 2 आलू लिए थे, आपकी चॉइस है, आप ज्यादा भी ले सकते हो। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये देखिए अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसके आलू के साथ पकने देंगे हमारी करी को। अब मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 ग्लास वाटर। वाटर अगर आपको थोड़ा सा ये गाढ़ा पसंद हो तो आप 1 डालना, मुझे एकदम नॉर्मल पसंद है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो मैं इसमें 2 ग्लास पानी डालूँ ताकि के मैं इसे थोड़ा सा भूनूँ तो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो इसकी। मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने दूंगी ढक के, इस तरीके से। पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारी कढ़ी रेडी होगी, जब तक हम हमारे एग को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, चलिए फिर हम हमारे एग फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने तवा ले लिया है, मैं उसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब ये हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है। हम इसकी फ्लेम भी मीडियम रखेंगे, क्योंकि इसकी भी हाई रखेंगे तो हमारे एग जल सकते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके ऐड करूंगी और इन्हें फ्राई करूंगी। देखिए इनका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हम इसे सिर्फ जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, वो आपकी प्रॉपरली आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से फ्राई करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप एग फ्राई नहीं करना चाहते तो आप एग को ऐसे भी ऐड कर सकते हो। मैं इसे फ्राई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसे फ्राई करने से इसका अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे स्लो स्लो पलटते रहेंगे हमारे सारे एग्स को, दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट कलर आया है। और जी हमारे एग हो चुके हैं रेडी। मैंने आप देख सकते हो मैंने इसे काफी ज्यादा फ्राई कर लिया है और ये काफी गोल्डन हो गए हैं। चलिए जी हम चलते हैं हमारी कढ़ी की तरफ। हमने कढ़ी में जो हमारी गर्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने इसे 15 मिनट के लिए मैंने इसे पकाने के लिए रख दिया था। तो ये रेडी है। अब हम इसमें हमारे ऐड करेंगे अंडे, हमारे फ्राइड एग्स, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट इसके साथ पकने देंगे एंड देन हम इसे सर्व करेंगे।
रेडी है, एग करी हमारी बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। अब मैंने इसे सर्व कर लिया है और मैंने इसे हरे धनिया हरी मिर्च से गार्निश कर लिया है। ये देखिए,